नमस्कार दोस्तों। तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा, जो कि है पार्वो वायरस। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्वो वायरस क्या है, क्या वाकई में पार्वो वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, क्या वाकई में इसका कोई इलाज नहीं है, क्या पार्वो का कोई मौसम होता है, किसी एक विशेष सीजन में पार्वो वायरस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और अगर ऊपर वाला ना करें हमारे आपके किसी पेट्स को अगर पार्वो वायरस लग जाए तो क्या उसके सही करने के कुछ उपाय हैं, कुछ रोकथाम है, तो इन विषयों पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वर्मा, उत्तर प्रदेश वाराणसी यानी बनारस काशी से। मैं 8.5 सालों से एज अ डॉग बिहेवियरिस्ट, एज अ डॉग ब्रीडर काम कर रहा हूँ, और हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में हमारे पेट शॉप्स भी हैं, और आप में से जिन भी लोगों को पेट्स चाहिए होते हैं वो हमसे लगातार लेते भी रहते हैं। जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं या फिर आपने नया नया कोई डॉग या फिर कोई कैट अपने घर में रखा हुआ है और आपको अगर इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, या अगर आप हमारे चैनल से पहले भी जुड़े हुए हैं और आपने अपने घरों में डॉग रखा हुआ है या फिर आप डॉग रखने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जानेंगे पार्वो वायरस होता क्या है। पार्वो वायरस एक तरीके का वायरस है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो एक डॉग से दूसरे डॉग में ट्रांसफर हो जाता है। वो किसी भी कारणवश हो सकता है। अगर आप अपने डॉग को वैक्सीनेशन करने किसी वेट के पास ले जा रहे हैं और उस सेम टेबल पर पार्वो वायरस वाला कोई डॉग ट्रीटमेंट होकर के गया है और आपने उस डॉग को सेम टेबल पर लेटा दिया, तो उस टेबल से आपके डॉग के अंदर वो वायरस आ सकता है। आप एक पेट लवर हैं, आप एक डॉग लवर हैं, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं किसी काम से और उसने एक डॉग रखा हुआ है और आपको नहीं पता कि उस डॉग के बॉडी के अंदर पार्वो वायरस के कोई सिम्टम्स हैं या फिर पार्वो वायरस का कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है, और आप उसे नॉर्मली बहुत प्यार से छूते हैं, सहलाते हैं, वो आपका हाथ चाटता है और उसका लार या थूक या सलाइवा आपके हाथों में लग जाता है। और यूजुअली हम लोग जब अपने घर आते हैं तो अपने पेट्स से सबसे पहले टच में आते हैं, सबसे पहले अपने पेट्स को प्यार करते हैं, छू लेते हैं, सहला लेते हैं, क्योंकि अभी आपको नहीं पता था कि जिस डॉग को आप छू के आ रहे हैं, जो कि आपके फ्रेंड का डॉग है, जो कि आपको आपकी आंखों से फिट दिख रहा था, उसके अंदर पार्वो के वायरस थे और आपके डॉग की इम्यूनिटी वीक है, तो आपका डॉग पार्वो की चपेट में आ सकता है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरे डॉग्स को छूते भी नहीं हैं और हमारा डॉग्स घर में ही रहता है और फिर भी हमारा डॉग पार्वो वायरस की चपेट में आ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। आपका एक दूसरे से हाथ मिलाना, हाथों से वायरस ट्रांसफर होते हैं। आपका एक दूसरे को गले लगाना, कपड़ों से भी वायरस ट्रांसफर हो जाते हैं कई बार। कई बार क्या होता है, कई केसेस में मैंने देखा है, मैं बस डॉक्टर के यहाँ वैक्सीनेशन के लिए लेके गया था और वैक्सीन जब से हुई है तब से मेरे डॉग ने लूज मोशन, वॉमिटिंग स्टार्ट कर दिया है, और अब वही डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका डॉग पार्वो वायरस में आ गया है। ऐसा क्यों? सबसे पहले इसके दो प्रमुख कारण है। एक तो ये कि आपके डॉग को पार्वो वायरस नहीं था, आफ्टर वैक्सीनेशन कैसे वायरस हो गया, तो या तो ये हो सकता है कि जिस भी डॉक्टर ने उस डॉग की वैक्सीनेशन करी है आपने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, या डॉक्टर साहब ने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, उसने डिस्पोजेबल जो इंजेक्शन होते हैं या जो सिरिंज होती है, बेसिकली उसको डिस्पोजेबल सिरिंज कहा जाता है, तो उसी सिरिंज से आपके डॉग को भी वैक्सीन कर दिया जिस सिरिंज से किसी और डॉग का किया था, या तो फिर आप जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, होता क्या है, बेसिकली ये वायरस सभी डॉग्स के बॉडी में रहता है, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ज्यादा। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती है तब तक डॉग नॉर्मल रहता है, वो खाता पीता है, खेलता कूदता है, दौड़ता है, मतलब डेली की अपनी दिनचर्या कर रहा होता है। बट अक्सर कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि अभी तक डॉग ठीक था, 35 दिन का एज था, ठीक था, 40 डेज का हुआ, 45 डेज का हुआ, 2 मंथ का हो गया, अभी भी ठीक था। जैसे ही आप वैक्सीनेशन कराते हो आपका डॉग पार्वो वायरस के संक्रमण में आ जाता है।
अब आप सोचते हो मैं तो गया था इसको पार्वो वायरस से बचाने के लिए, मैंने वैक्सीन इसीलिए कराई कि हमारे डॉग को पार्वो ना हो, और इसको वैक्सीन होने के बाद कैसे पार्वो हो गया। तो सबसे पहली चीज बहुत सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाऊंगा, ये आपका डॉग की बॉडी है, ये वैक्सीन है। आपके डॉग की बॉडी के अंदर वैक्सीन जाके करता क्या है, आपके डॉग के बॉडी में एंटीडोट होते हैं या इम्यूनिटी, आप जिसको रोग प्रतिरोधक बोलते हैं, तो रोग प्रतिरोधक जीवाणु होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं। अब वैक्सीन क्या करता है कि उसको बूस्ट कर देता है। अब जैसे कि नेचुरली आपके डॉग की बॉडी में, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 10 सैनिक थे पार्वो वायरस से लड़ने के लिए, तो जब एंटी पार्वो का वैक्सीन उसे लगता है तो वो 10 सैनिक 210 सैनिक बन जाते हैं, यानी कि 200 अलग से सैनिक जाते हैं और उन 10 सैनिकों की शक्ति को बढ़ा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वैक्सीन के बाद ही पार्वो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी वैक्सीन होता है, आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि ख्याल रखिएगा 24 घंटे तक बुखार हो सकता है, या फिर वैक्सीन के बाद फीवर आ जाता है डॉग को। तो फीवर आने का मतलब ही यही है कि वैक्सीन जब भी डॉग को होता है तो वो सीधा सीधा डॉग के इंटरनल सिस्टम को थोड़ा बहुत कहते हैं शरीर के अंदर उथल पुथल हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस एक से दो दिन उस डॉग की इम्यूनिटी वीक रहती है। ऐसे नॉर्मल डेज में तो बहुत स्मूथली चल रहा होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट जब जैसे ही वैक्सीन होता है और डॉग फीवर में आता है तो फीवर में आने की वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और उस दौरान अगर डॉग को किसी कारणवश डायरिया हो गया या फिर उसे डाइजेशन नहीं हुआ और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने लगा एक बार ही लूज मोशन हुआ है अभी दवा क्यों दूं, एक बार ही वॉमिट किया है अभी दवा देने की क्या जरूरत है, दो ही बार हुआ है, तीन ही बार हुआ है, अब वो धीरे धीरे करके लगातार बढ़ता चला जाता है और वो डायरिया ब्लडिश हो जाता है, वो वॉमिटिंग ब्लडिश हो जाती है, यानी कि खूनी दस्त होने लगते हैं और खून की उल्टियां होने लगती हैं। अब इससे बचाव क्या क्या है, या अगर पार्वो हो गया है तो क्या हमें बहुत ज्यादा डर जाना चाहिए? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी बीमारी हमारे आपके किसी पेट्स को होती है तो सबसे पहले क्या करना है कि डरना नहीं है और अपने अच्छे वेटनेरियन के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाके बताना है कि सर शायद मेरा डॉग पार्वो में आ गया है, आप इसका एक बार चेकअप कर लीजिए। तो आपका डॉक्टर आपके डॉग को प्रॉपर चेकअप करके ये बताएगा कि आपके डॉग को पार्वो हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो भी डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्वो के लक्षण क्या क्या है। पार्वो में स्टार्टिंग टाइम में जब भी आपके डॉग को पार्वो बीमारी होती है तो उसे सबसे पहले वॉमिटिंग होना शुरू होती है, वाह 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 करके वो पूरी अंदर की चीजें उल्टी कर देता है, यहां तक कि वो दूध भी नहीं पचा पाता, वो सेरेलेक भी नहीं पचा पाता, वो पेडिग्री जैसे डॉग फूड भी नहीं पचा पाता, यहां तक कि वो पानी भी नहीं पचा पाता। वो बार बार पानी की ओर भागता है, बार बार जीभ से पानी पीता है और बार बार उल्टियां करना स्टार्ट करता है। तब आप नॉर्मल उल्टियों की दवा देते हैं और फिर भी उल्टियां काबू में नहीं आती। अगले दिन डॉग को लूज मोशन होने स्टार्ट होते हैं, दस्त होने स्टार्ट होते हैं, आप उसे मेट्रोजिल, नॉरमेट्रोजिल, पावरजिल इन जैसी दवाओं को दे के रोकना चाहते हैं, या ग्रिप्टॉल वगैरह, लिवोफ्लॉक्सासिन के सॉल्ट होते हैं, ऐसे कुछ दवाइयां, बट उनसे भी कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहले उल्टियों का होना, उल्टियों के बाद दस्त का होना, और एक से दो दिन में उस डॉग का बॉडी वेट अचानक से गिर जाता है। अचानक से एक 10 केजी का बच्चा 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी का हो जाता है। अचानक से उसकी चेहरा बिल्कुल पतला हो जाता है, आंखें अंदर की ओर घुस जाती हैं और आंखों से चमक खत्म हो जाती है। मुंह में सलाइवा बनने लगता है, मुंह में अचानक डॉग आपका ड्रूलिंग करने लगता है और मुंह से उसकी थूक गिरने लगता है, या फिर मुंह का अचानक बिल्कुल सूख जाना, ये सारे पार्वो के लक्षण हैं। अगर 3-4 दिन लगातार हो जाता है तो आपके डॉग के बॉडी में से ब्लड खत्म होने जैसा लगता है, प्लेटलेट्स उसके गिरने लग जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी एकदम जीरो हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम खत्म सा हो जाता है। आप ऐसे मसूड़े को उठा के देखेंगे तो वो मसूड़ा
जो पिंक यानी कि गुलाबी दिखना चाहिए, लालपन उसमें दिखना चाहिए, वो सफेद दिखने लगता है। तो ये सारे लक्षण हैं, उल्टियां होना, दस्त होना यानी कि लूज मोशन होना, अचानक से डॉग का दो ही दिन में पतला हो जाना, आंखों का घुस जाना, आंखों से चमक चले जाना, मुंह से अचानक से दुर्गंध आ जाना, उसके स्टूल से दुर्गंध आना, उसकी उल्टी से दुर्गंध आना, यहां तक कि कई बार तो डॉग की बॉडी में से भी बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आती है, बहुत दुर्गंध आती है, कमरे में रहना दुश्वार हो जाता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपके डॉग में हैं तो आप समझ लीजिए आपका डॉग भैया पार्वो में आ गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले डरेंगे नहीं, अब हम नियरेस्ट लोकल वेटरनेरियन या किसी लोकल डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपके सबसे करीब होगा। वो डॉक्टर उसका चेकअप करेगा और सबसे पहले आपको हिदायत देगा कि भैया मैं इसको इंजेक्शन लगा रहा हूं, इसका खाना पानी बंद रहेगा, ना आप इसको खाना देंगे ना आप इसको पानी देंगे। तो हम क्या करते हैं एज अ डॉग लवर, एज अ पेट लवर, हमें दिल को रहा नहीं जाता और हम उसको जबरदस्ती डॉक्टर के यहां से आने के बाद चम्मच से सेरेलैक पिलाते हैं, या फिर उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, या उसको रोटी खिलाने की कोशिश करते हैं, दही खिलाने की कोशिश करते हैं, और भाई जैसे ही डॉग कुछ भी खाता है एक से दो मिनट तीन मिनट के अंदर वो वैक 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 करके पूरा दवा खाना सारा उल्टी कर देता है। और फिर आप अगले दिन जाते हैं, फिर आपको डॉक्टर साहब डांट लगाते हैं कि अरे मैंने मना किया था कि कुछ नहीं खिलाना है, फिर आप कहते हो डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, इतना प्यारा बच्चा, इतना मासूम बच्चा, इतना खाता था, मांग मांग के खाता था, दिन में 5 बार खाता था, मैं कैसे भूखा छोड़ देता। तो मैं समझ सकता हूँ कि एज अ डॉग लवर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने डॉग से और उसे आप भूखा नहीं देख सकते तो आप खिलाने की कोशिश करते हैं, बट आपका खिलाना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैं अपनी बातों को फिर से दोहराता हूँ, डॉक्टर ने जब मना किया है तो आपको अपने डॉग को दोबारा तिबारा खाना बिल्कुल नहीं देना है। तो अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको कुछ इंजेक्शंस देता है, एंटीबायोटिक देता है लूज मोशन के लिए देता है, या एंटी पार्वो के डोजेस भी वो चाहें तो दे सकते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग प्रैक्टिस होती है, कुछ दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद आप इस्तेमाल होते देखेंगे अपने डॉग को पार्वो से रिकवर होते वक्त, इंटासेफ सेफालेक्सिन, इंटासेफ टेजो, कॉन्सीप्लेक्स, ये कुछ विटामिन्स या फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन से सेफालेक्सिन के डोजेज हैं जो डॉग को दिया जाता है। लूज मोशन अगर हो रहा है तो डॉक्टर साहब लोग अधिकतर अमीकासीन, आईवीमाइसिन 100 mg, 200 mg, 250 mg, बड़ा डॉग है तो 500 mg तक भी इस्तेमाल करते हैं कई बार। कुछ लोग ह्यूमन एंटीबायोटिक्स जैसे टैक्सिम ओ इस्तेमाल करते हैं, कुछ डॉक्टर्स अमोक्सिसिलिन सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, पेरिनॉम के इंजेक्शंस लगते हैं ताकि डॉग जब बार बार उल्टियां कर रहा है तो उसको उल्टियां ना हो, पेरिनॉम की जगह वोमिकाइंड भी कई बार इस्तेमाल में आते हुए देखा गया है। और अगर डॉग को आपके स्लाइन चढ़ाने को डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो बिल्कुल भी मत डरिए, बोलिए बिल्कुल डॉक्टर साहब आप स्लाइन चढ़ा दीजिए। स्लाइन चढ़ना अच्छा है क्योंकि अगर इंजेक्शन कारगर नहीं है तो आखिरी रास्ता स्लाइन चढ़ना होता है, और स्लाइन चढ़ने के बाद 80% दोस्तों चांसेस होते हैं कि आपका डॉग बच जाएगा। बहुत सालों से मैं ये सुनते आ रहा हूँ कि अगर आपके डॉग को पार्वो हो गया तब तो वो नहीं बचेगा, दुनिया का कोई भी ताकत कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट एन वेटनेरियन, इसके बावजूद मैंने अपने आंखों के सामने कई केसेस को सुधरते हुए देखा है, कई केसेस को ठीक होते हुए देखा है। इवन लॉकडाउन में हमारे यहाँ एक डॉग था, स्ट्रीट डॉग था, ब्लैक एंड टैन कलर का, उसको पार्वो हो गया था, मैं पिछले साल के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 7 या 8 अप्रैल की बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की। और उसको मैं लेकर के आया क्योंकि कोई कहीं जाने को भी नहीं मिल रहा था, हर तरफ पुलिस थी, हर तरफ कोरोना और सभी चीज़ों का डर था, तो मैंने खुद से उसको स्लाइन चढ़ाया और 4 दिन की बहुत मेहनत के बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने उस डॉग को बचा लिया और अभी भी वो हमारे घर के बाहर खेलता हुआ दिख जाता है। ब्लैक एंड टैन कलर का एक स्ट्रीट डॉग है, जर्मन शेफर्ड जैसा दिखता है। तो स्लाइन जब भी चढ़ाई जाती है तो उसमें कौन कौन से होते हैं, तो उसमें RL के बॉटल होते हैं, NS के बॉटल होते हैं, DNS के बॉटल होते हैं, लगातार लूज मोशन हो रहे हैं तो मेट्रोजिल की एक छोटी बॉटल आती है जो 100 ml की होती है,
तो मेट्रोजेल के बॉटल छिड़कते हैं, और स्लाइन में ही एसी लॉक के साथ पेरिनॉम मिला करके दिया जाता है। एसी लॉक जो कि गैस का एक इंजेक्शन है, पेरिनॉम जो कि उल्टियों का इंजेक्शन है, और एंटीबायोटिक के रूप में इंटासेफ, इंटासेफ टैजो, कॉन्सीप्लेक्स, ये सारे इंजेक्शंस डॉक्टर साहब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये बातें कि आपको कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पार्वो के केसेस देखे हैं, तो फिर मैं बता रहा हूँ। मैं फिर बताऊँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने अनुभव आपसे शेयर करता हूँ कि आप सब भी इस दौर से अगर गुजरे तो डरे नहीं। तो पार्वो के केसेस में क्या होता है कि डॉग को 4 दिन या 3 दिन तक पानी चढ़ता है, सलाइन चढ़ता है, कभी कभी दिन में एक बार चढ़ता है, और आवश्यकता के अनुसार एक दिन में 2 बार भी उसको सलाइन लगाई जा सकती है। तो जितने दिन तक सलाइन चढ़ रहा होता है, जितने दिन तक NSDNS या RL की बॉटल लग रही होती है या मेट्रोजिल की बॉटल लग रही होती है, उतने दिन तक आपको आपके डॉग को मुंह से कुछ भी नहीं देना होता, ना पानी देना होता है, ना दूध, ना सेरेलैक, ना पेडिग्री, ना ही कुछ भी। हाँ, कुछ कुछ केसेस में डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि आप इन्हें WHO ORS का घोल एक एक चम्मच, आधा आधा चम्मच हर आधे एक घंटे पे देते रहे, या फिर इलेक्ट्रॉल दो दो चुटकी, तीन तीन चुटकी देते रहे। अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आप इलेक्ट्रॉल या WHO ORS के घोल दें, तभी दें, अन्यथा नहीं देने की जरूरत है। घोल देने के बाद अगर आपका डॉग वॉमिट कर दे रहा है, तो वो पाउडर आप हथेली पे लीजिए, दो चुटकी, तीन चुटकी, डॉग का मुंह खोल के उसके मुंह में डाल दीजिए, वो थूक से उसके अपने आप वो बॉडी में ले लेगा, जीप पे डालिए, जीप से अंदर ले लेगा, तो उल्टी होने के चांसेस 1% रह जाते हैं, 99% वो उल्टी नहीं करता ड्राई इलेक्ट्रॉल या WHO ORS के घोल पे। एक और पाउडर बहुत ही ज्यादा कारगर है, ना ही सिर्फ पार्वो में, अगर आपके डॉग को दस्त हो रहे हैं लगातार और दस्त कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंसानों के दवा की दुकान पे, ह्यूमन केमिस्ट पे मिलता है स्पॉर्लेक पाउडर, SPORLAC, स्पॉर्लेक बनाना वाला फ्लेवर वाला लीजिएगा, 4 सैचेट होते हैं छोटे छोटे से, और वो 4 सैचेट आपको 24 आवर्स में खत्म कर देना होता है अपने पपी को या अपने किटन को या डॉग को या कैट को दे करके। और बेसिकली ये इंसानों के बच्चों की दवा है जो कि दस्त में, डायरिया में, लूज मोशन में, पतली लैटरिन में बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो स्पॉर्लेक पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईसबगोल की भूसी जो होती है, वो भी आप अपने डॉग को डॉक्टर से पूछकर, मेरे कहने पे नहीं, डॉक्टर से पूछकर ले सकते हैं, वो भी काफी फायदेमंद है। ग्राइप वाटर आता है बच्चों का ब्लू कलर की बॉटल में, वो भी लूज मोशन, डायरिया और डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा कारगर है ग्राइप वाटर, उसका भी आप सेवन करा सकते हैं। अगर आपका डॉग पार्वो वायरस से जूझ रहा है और आप कुछ पिलाना चाह रहे हैं, पानी वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो हरा डाब जो होता है, नारियल पानी हरा वाला होता है ना, आप उसको एक एक चम्मच, दो दो चम्मच दीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक चम्मच, दो चम्मच देंगे तो वो वॉमिट भी नहीं करेगा और उसके पेट को भी काफी ठंडक मिलेगी। इसके अलावा आप चावल का माड़ दे सकते हैं, पार्वो में बहुत ही ज्यादा रामबाण तरीके से काम करता है चावल का माड़। तो ये सब चीजों से आप अपने डॉग को बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों पार्वो वायरस के डर को मैं थोड़ा सा निकाल पाया हूंगा, बिल्कुल भी मत डरिएगा, और वैक्सीनेशन हो जाना 100% श्योरिटी नहीं देता कि आपके डॉग को कभी पार्वो नहीं होगा। वैक्सीनेशन, टीकाकरण एक आधार है, एक माध्यम है, एक बचाव है, एक सुरक्षा कवच है, बट आज के टाइम में 100% मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने एक दो नहीं बल्कि कई सौ ऐसे डॉग्स को मरते हुए देखा है जिनका वैक्सीनेशन हो चुका था पार्वो का, और वो डॉग किसी कारणवश पार्वो में आ गया और वो नहीं बचा। और पेशेंट मुझसे कहते हैं कि सौरभ भैया, मैंने तो वैक्सीनेशन करा रखा था, फिर मेरे डॉग को क्यों पार्वो हुआ? तो मेरा सीधा सा उनसे सवाल होता है कि जो वैक्सीनेशन आपके डॉग को लगी है, उसके लेबल पे आप वैक्सीनेशन की डिटेल रहती है, आप कंपनी को मेल करिए और पूछिए, क्योंकि वैक्सीनेशन हम इसीलिए लगवाते हैं कि हमारे और आपके डॉग सेफ रहें। वैक्सीनेशन होने के बावजूद कई बार हमारे आपके डॉग सेफ नहीं रह पाते, तो इसके लिए हम करें तो करें, क्या करें, हम 500, 600, 700 रुपए खर्चे करते हैं अपने डॉग को सेफ करने के लिए, और इसके बावजूद हमारे डॉग सेफ नहीं रह पाते, तो हम क्या करें।
पारवों से बचने के मैं कुछ चार पांच उपाय आपको बताऊंगा जो कि बहुत अच्छा है, ना ही सिर्फ पारवों से बल्कि हर तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरस से आप अपने घरों के पेट्स को बचा सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप बाहर से आएँ, ऑफिस से, बाजार से, मार्केट से, शॉप से कुछ खरीद कर, कुछ लेकर अपने डॉग को छूना बंद कीजिए। आते ही अपने पेट्स को बिल्कुल मत सहलाइए, बिल्कुल मत प्यार कीजिए, बिल्कुल मत छूइए। इवन उनके अंदर एक एटिकेट्स आना चाहिए कि जब आप घर पे आए तो वो दौड़कर आपके पास ना आए, जो कि वो आएंगे आपके बार बार मना करने पे भी आपके डॉग्स आपके पास आएंगे। तो आपको ऊपर जाना है, प्रॉपर साबुन से हाथ धोना है, अच्छे से रगड़ रगड़ कर हाथ धोना है, हो सके तो वो कपड़े उतार देने हैं, नहाना है और दूसरे कपड़े पहनने हैं। इस तरीके से आप कोरोना वायरस से भी सेफ रहेंगे और पागो वायरस से भी डॉग्स को सेफ रख पाएंगे। दूसरा तरीका, आपको उन जगहों पे अपने डॉग्स को नहीं लेके जाना है जहां बहुत ज्यादा गंदगी हो या कोई डॉग पहले मर चुका हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स आते जाते हो। कई बार हमारे घर के बाहर कोई ऐसी जगह होती है जहां गंदगी होती है और हम अक्सर वहीं पे डॉग्स को ले जाते हैं सुसु पॉटी कराने, और अक्सर वहीं से डॉग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आ जाता है और पार्वो के भी वायरस के इन्फेक्शन में आ जाता है। और आपको क्या करना है, जब आप किसी और के घर से किसी और के डॉग के साथ खेल करके आ रहे हो, तब आते ही अपने डॉग के साथ तुरंत खेलने नहीं लगना है या उसको नहीं छूना है। साबुन से हाथ धोने हैं, कपड़े बदलने हैं, नहाना है, दूसरे कपड़े पहनना है, फिर अपने डॉग के पास जाना है। या फिर अपने डॉग से खेल कर, अपने डॉग को छूकर किसी और के घर के डॉग को जाकर के नहीं छूना है, ना उसे सहलाना है, ना प्यार करना है, ताकि आपके डॉग का कोई भी इन्फेक्शन उसके डॉग को ना हो, उसके डॉग का कोई भी इन्फेक्शन आपके डॉग को ना हो। हम क्या करते हैं आज के टाइम में, कि आजकल तो बड़ा प्रचलन है, बड़ा चलन है कि पार्क में ले जाते हैं, एक डॉग से दूसरे डॉग को मिलाते हैं, तीसरे डॉग को चौथे डॉग से मिलाते हैं, और हम कहते हैं कि हम सोशलाइज कर रहे हैं। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, सोशलाइज करके रखना चाहिए, सोशलाइज करना भी चाहिए। बट क्योंकि थोड़ा सा समय ठीक नहीं चल रहा है, COVID-19 भी है, पार्वो वायरसेस के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें। सोशलाइज करने का मतलब ये 100% नहीं है कि आपका डॉग जाके लिपटा चिपटी करने लग जाए दूसरे डॉग से। 2 फीट 3 फीट की दूरी से भी आप अपने डॉग को सोशलाइज करा सकते हैं। आप भी 4 फीट दूर रहिए, आपका डॉग भी 4 फीट दूर रहे, दोनों अपने अपने लिशेज में डॉग्स को पकड़े रहे, सो डॉग्स कैन टॉक, वो बार्क करेंगे, खेलेंगे अपनी एक्टिविटी से। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें, बचाव तो यही है। और बहुत नेसेसरी अगर ना हो, अगर आपको पता है कि सामने वाले ने वैक्सीनेशन करा रखी है, अच्छे से रखता है, साफ सफाई से रखता है, आप भी सेम अपार्टमेंट में हैं, वो भी सेम अपार्टमेंट में है, या फिर आप भी उसी कॉलोनी में हैं जिस कॉलोनी का वो है, तब आप जब भरोसा हो, विश्वास हो सामने वाले पे, तो अपने डॉग को सामने वाले के यहाँ खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती हैं, उनके बच्चे हैं, वो आते हैं लीजा बगीरा के साथ खेलते हैं। उनके एक छोटी सी इंडियन स्पिट्स की पपी थी जो कि अब पूरी मच्योर हो गई है, 1.5 साल की हो गई है, और उसकी और लीजा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो कभी कभी बच्चे आते हैं, हमारे लीजा को ले जाते हैं, हमारी लीजा 2 घंटे 3 घंटे तक उनके यहाँ रहती है। कभी कभी उनकी वो फीमेल आ जाती है जो स्पिट्स है, वो हमारे यहाँ 1.5 घंटे खेल लिया करती है, तो ऐसे हो जाता है। बीच का मैं आपको एक वाक्य बताऊँ, मेरे यहाँ बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से डॉग्स को रखा जाता है। इवन मैं खुद अपने डॉग्स को अपने हाथों से खाना देता हूँ, सहलाता हूँ, प्यार करता हूँ प्रॉपर। हर 2-3 दिन में तो एक बार चेकअप कर लेता हूँ, कान देख लेता हूँ, पॉज देख लेता हूँ, टेल देख लेता हूँ, ताकि कहीं कोई टिक्स ना लग जाए, कहीं मैगेट ना हो रहे हो, कहीं चोट ना लगी हो, कहीं कोई स्क्रैच ना हो, कोई रेबीज का डर ना हो। तो इन सारी चीज़ों का मैं काफ़ी ख्याल रखता हूँ। तो अचानक से लीजा के अंदर मैंने एक दिन 4-5 टिक्स देखे, तो हमने एंटी टिक शैम्पू से वॉश करा दिया, ठीक है वो निकल गए। फिर एक हफ्ते बाद हमने नोटिस किया कि और 10-15-20 हो गए, दोबारा हमने एंटी टिक शैम्पू यूज़ किया, फिर कुछ निकले कुछ नहीं निकले। फिर हफ्ते 10 दिन में वो 10-15-20 कम से कम 4-5 हज़ार हो गए, पूरे इतने बड़े बड़े एकदम जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, वैसे टिक्स हो गए। मैं हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हो गया, वाराणसी के बाहर चला गया, तो लीजा को यहाँ पे 25-30 टिक्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बगीरा को भी हो गया, मतलब टिक्स ही टिक्स, इतने टिक्स दीवारों पे चढ़ने लग गए, दीवारों के कोने में टिक्स, जूते के अंदर टिक्स, मतलब टिक्स ही टिक्स। और मेरी समझ में नहीं आया यार,
मैं ब्लैक फिनाइल से पोछा लगवाता हूँ, इतने नीट एंड क्लीन तरीके से रखता हूँ, एंटीटिक सोल्यूशन भी हर महीने यूज करता रहता हूँ, तो कैसे हो गया? फिर मेरे समझ में आया, ये जो इंडियन स्पिट्स लीजा की दोस्त थी इसको टिक्स हो रखे थे, और लीजा गई वहां पे खेलने, तो पहले 2-4 आए, फिर 10 हुए, फिर 15-20 होते होते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो हजारों की संख्या में हो गया। फिर हमने एंटीटिक स्प्रे लिया और फिर नियोमेक के इंजेक्शंस लगे लीजा को, तो फिर डिवॉर्मिंग करी, फिर बड़ी मशक्कत के बाद, मतलब 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत, आप समझिए 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत करने के बाद हमने पूरे घर को टिक से बचाया, पूरे